नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुश्ताक अहमद खान जी। कहाँ के रहने वाले आप हैं? एरिया कला जी। किस प्रकार की क्या समस्या आपकी गांव में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। समस्या है कि काम जो हुआ उसमें पैसे की धांधली हुई जी। कैसा काम हुआ, कैसे धांधली हुई? जैसे आवास दिया गया जी, आवास में जो है अगर 1,20,000 का योजना है तो 90,000 दिया गया। एक मार्ग हम आपसे अभी एक क्वेश्चन, आप कहें 90,000 दिया गया, 90,000 परंतु जो जिसको आवास मिला है डायरेक्टली उसके खाते में पैसा आता है तो प्रधान कैसे ले सकता है? तो वो पैसा जो उससे पहले ही ले लिया जाता तभी आवास दिया जाता है। क्या कहा जाता है कि आप दीजिए तो आपका आवास दिया जाएगा, और नहीं तो आपके पैसे से निकाल लिया। गरीब आदमी कहता है ठीक बात, लेकर ले लिया हमारा खाता में से लिया, हम निकाल तो लिया। कौन निकालते हैं, नाम बता सकते हैं जी? निकाल कौन सकते हैं, कौन निकाला है, किसको दिया गया पैसा? जिसको जिस खाते में आया पैसा, हाँ वो निकाला, वो निकाल करके दिया जी। और क्या दिक्कत है आप बताइए आगे। आवास हो गया, आवास हो गया। मान लीजिए कि पेंशन योजना है, पहले ही वृद्धा पेंशन हो चाहे विधवा पेंशन हो, हाँ हाँ आगे बताइए। ये जो है इसमें जो है 2,000 रुपया पहले एडवांस लिया जाता है। कौन लेता है नाम तो बताइए। प्रधान लेते हैं। हाँ सर, प्रधान लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा उनका? मैंने प्रधान तो मैं स्त्री हैं, ठीक है, मगर उनका पति ही डील करते हैं जी। जी जी जी। और क्या दिक्कत है आप बताइए ना। और उसके बाद जो है ये राशन कार्ड है, राशन कार्ड का ऑनलाइन करने के लिए 100 रुपया लिया गया। कौन लिया? मैंने वही प्रधान पति जी। आगे उसके बाद जो है फिर वही राशन कार्ड को वितरित करने के लिए 100 रुपया और 50 रुपया पर व्यक्ति लिया गया है ना। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है ना। जितने काम हो, बहुत जगह काम हुआ ही नहीं, पैसा उठा लिया गया है ना। इसके लिए साक्ष्य अगर चाहे तो आप, मैं तो आपको फोटो करा के दिखा दूँ चल के वहाँ जी। ठीक है ना। आपने कहा काम पैसा उतर गया, काम नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ, तो जगह का नाम आप जानते होंगे कहाँ पैसा उतरा, की जगह का नाम बता दीजिए। जैसे लक्ष्मीनिया मोहल्ला है, लक्ष्मीनिया मोहल्ला बोलते इसी गाँव में, हाँ इस मोहल्ले बोलते है ना। तो उसमें जो है माने नाली का काम हुआ नहीं, पैसा उठा लिया गया जी। माने स्लैब ढालने का काम नहीं, क्या कहते हैं उसको, पटिया हुआ नहीं। वो अपने बच्चे जो अपने पैसा घर का शुरू करके जो है माने पैसा दिए और उसको अपना बनाए बेचारे अपने ढक के नाली को है ना। खड़ंजा बनाया गया, उसमें जो है लोगों से पैसा ले करके मिट्टी भरा गया, तब खड़ंजा भगत बनाया गया। समझ गए? कहीं कहीं घर में भी इंटरलॉकिंग हुआ है, कहीं अंदर घर में हमारे घर में जाने के लिए इंटरलॉकिंग हुआ है, वो आप देख सकते हैं क्या है। तो जी है ना, आप अभी कह रहे हैं किए थे, अभी बात किए हैं, जैसे पैसा बजट पास होकर उस जगह पर काम नहीं हुआ है। काम हो चुका, पैसा उठ गया है। अच्छा, पैसा उठ गया है नेट पर, पैसा उसका उठा हुआ काम। ओके अच्छा, धरातल पर? धरातल पर नहीं है जी। आगे बताइए, आगे क्या परेशानी है? और ये जो है शौचालय क्या है? शौचालय में जो है किसी से मैंने 12,000 का योजना है जी जी, किसी को 10,000 रुपया दिया गया, किसी को 6,000 रुपया दिया। एक मिनट, आप जैसे बात करते हैं चेक चाहे पैसा तो सीधा उस व्यक्ति को जाएगा, तो आगे बताइए। तो जैसे मान लीजिए कि अभी ये यहाँ एक आदमी बैठे हुए हैं, उनको 6,000 रुपया आज तक मात्र मिला, शौचालय बेचारे अपना बना लिए, हाँ मात्र 6,000 रुपया मिला है ना। 6,000 कहाँ गया भगवान जाने, का तो प्रधान जी ले लिए, वो नहीं देते हैं, मैंने कहा तो हो गया काम आपका है ना। आपके कहने का तात्पर्य है वो अवैध वसूली किए हैं जी। कितना किए हैं? अब वही मैंने किसी से 6,000, किसी से 2,000। कितने लोगों से किए होंगे लगभग? अब हम तो समझते हैं कि कौन सा शौचालय बना है, 500 मन है, उससे कम तो जितना हमको मालूम नहीं कि कितना शौचालय बना है, मगर 200-300 से ऊपर शौचालय बना होगा। यहाँ आबादी कितनी होगी आपके गांव के? हमारे गांव की आबादी जो है अब हम जानते हैं कि 600 घर से 700-800 घर से ज़्यादा ही होगा।
दस घर एक हजार से घर से कम नहीं होगा हर जाति का मिला करके, जो 300-350 घर तो हम ही लोग हैं और जातियाँ यहाँ हैं, है ना। तो सबसे ये पैसा आप जो आरोप लगा रहे हैं आप साबित कैसे करेंगे वो? तो धरातल साबित कर देंगे, जैसे अभी मैंने बताया, अभी आपने एक मिनट बताया, अभी आपने बताया आवास के नाम पर पैसा लिया है। जी जी जी। तो किससे लिया है, क्या वो कहाँ व्यक्ति है? शौचालय के नाम पर पैसा लिया गया, अभी कह रहे 6,000 रुपया दिया गया, तो कहाँ व्यक्ति है? कहाँ, यहीं पर है भैया, मानो ना वो। हाँ देखिए, यही है।